नमस्कार, झरोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। हमने यूपीएससी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों और विभिन्न राज्य सरकारों की प्रशासनिक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रमों पर केंद्रित वीडियो आपके लिए बनाए हैं। इस बार हम आपको बाबू श्याम सुंदर दास जी के द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली के कबीरदास जी के 100 पदों को उनकी व्याख्याओं के लिए ले रहे हैं। कबीरदास जी भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा के निर्गुण धारा के प्रमुख कवि के रूप में पहचाने जाते हैं। अब हम कबीर ग्रंथावली के 11 से 20 दोहों की व्याख्या करेंगे। तो चलिए 11वां दोहा देखते हैं। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुर मिलिया दीपक दिया हाथ। इसमें जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ देख लीजिए। लोक वेद का अनुसरण अर्थात मार्ग, उस मार्ग का अनुसरण करना। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह ही रहेंगे, यहाँ हम उसको दोहराएंगे नहीं। व्याख्या देखिए, कबीरदास जी कहते हैं, मैं पहले संसार और वेदों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर ही चला करता था, पर बाद में मुझे मेरे गुरु मिल गए और उन्होंने मुझे ज्ञान रूपी दीपक प्रदान कर दिया। अब मैं किसी दूसरे पर निर्भर नहीं हूँ, अपने ज्ञान दीपक के प्रकाश में मैं अपने उचित मार्ग पर अग्रसर हो रहा हूँ। इसमें जो पद सौष्ठव है वो पहला है कि स्वरूपक अलंकार है, दूसरा पद में शांत रस है, तीसरा माधुर्य गुण इसमें मौजूद है, चौथा लोक और वेद का निषेध किया गया है। संसार जैसा है, वेदों ने जो रास्ते बताए हैं कबीर उससे सहमति नहीं रखते, वे एक नए मार्ग को अपनाते हैं। और पांचवा साधु कड़ी भाषा है, पद में गेयता का गुण पहले की तरह ही है, सभी में है। पद बारवा, दीपक दिया तेल भरी बीती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा बहुर नावे हट। इसमें शब्दार्थ देखिए, अघट यानी दीपक, संदर्भ प्रसंग पहले की तरह। व्याख्या, गुरु ने मुझे ऐसा दीपक प्रदान किया है जिसमें प्रेम रूपी तेल भरा हुआ है और ज्ञान रूपी बाती ऐसी है जो कभी घटने वाली नहीं है। मैंने इसी का आश्रय लेकर अपने जीवन का सौदा पूर्ण कर लिया है और अब कभी मुझे संसार रूपी बाजार में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका काव्य सौंदर्य देखिए, ये पद सौष्ठव, काव्य सौंदर्य, पद लालित, ये एक ही भाव के अलग अलग जो हैं वो पद हैं, शब्द हैं, विशेषण हैं, संबोधन हैं। तो काव्य सौंदर्य देखिए, इसमें भी रूपक अलंकार है, शांत रस है, माधुर्य गुण है, गेयता है, सहज भाषा है, प्रतीकात्मकता है,
ये इसकी विशेषताएं हैं। अब 13वां पद देखते हैं। ज्ञान प्रकाश्या गुर मिलिया सो जिन बो सर जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। इसमें जो शब्दार्थ देखते हैं, बोसर याने छोड़ना या भूलना, जिन याने नहीं। संदर्भ प्रसंग इसका पहले की तरह ही रहेगा। व्याख्या करते हैं। कबीर कहते हैं कि मुझे मेरे गुरु से जो ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त हुआ है वह मुझे सदा स्मरणीय रहेगा, उसे मैं भुला नहीं सकता। गुरु भी तभी मिलते हैं जब परमात्मा की कृपा होती है। यहाँ ये खास बात नोट करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि कबीर कहते हैं कि गुरु परमात्मा को पाने का रास्ता दिखाते हैं, और यह भी कहते हैं कि जब परमात्मा की इच्छा होती है तभी हमको सच्चे गुरु की प्राप्ति भी होती है। अब इसका पदलालित्य देखिए। पहला, सरल बोलचाल की भाषा। गुरु से गोविंद और गोविंद से गुरु की प्राप्ति की परस्परता की प्रस्तुति, दोनों एक दूसरे के लिए अनिवार्य हैं। गीता का पद है, सदुकड़ी भाषा है, माधुर्य गुण है, शांत रस है, बाकी सारे तत्व वही हैं। चौदहवां पद आ रहा है सामने। कबीर गुर गरवा मिलिया रल गया आहे लूण, जाति पाति कुल सब मिटे नाव धरोगे कौन। रूल याने रल गया याने मिल गया, लूण याने नमक। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह, और व्याख्या देखिए। कबीरदास जी कहते हैं मुझे ऐसे गुरु प्राप्त हो गए हैं जिन पर मुझे गर्व है। गुरु ने अपने ज्ञान के माध्यम से मुझे अपने साथ उसी तरह अनन्य बना लिया है जैसे आटा और नमक आपस में मिल जाते हैं। गुरु से ज्ञान की प्राप्ति के बाद संसार के जाति पाति और कुल रूपी जो बंधन हैं वे सब समाप्त हो गए हैं। अब एक अलग प्रकार का मनुष्य बन गया हूँ। आप इस नव्यता को कौन सा नाम देंगे? अर्थात सांसारिक मनुष्य की पहचान तो उसकी जाति, कुल, गोत्र आदि से की जाती है, परंतु जो परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो आध्यात्मिक मनुष्य, परम भक्त हो जाता है। वह संसार से परे हो जाता है। संसार में जो प्रचलित तौर तरीके हैं किसी मनुष्य की पहचान के, वह उनके अंतर्गत नहीं आता। पदालित्य देखिए, उपमालंकार है। दूसरा, सांसारिक और आध्यात्मिक मनुष्य की तुलना की गई है, और बाकी के जो तत्व हैं वो पहले की तरह हैं। और अब हम आते हैं 15वें पद पर। जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंध, अंधई अंधा ठेलिया दुनियो कूप पड़ंत। अंधला यानि दृष्टिहीन, निरंध यानि पूर्ण रूप से चक्षुहीन जिसकी आंखें ही ना हो, कूप यानि कुआं,
संदर्भ प्रसंग पहले की तरह ही रहेगा। व्याख्या देखती है, कबीर दास जी कहते हैं कि जिसका गुरु ही आध्यात्मिक दृष्टि और ज्ञान से शून्य हो तथा शिष्य स्वयं भी पूर्ण रूप से अज्ञानी ही हो, तब स्थिति बड़ी विकट हो जाती है। ऐसा एक अंधा दूसरे अंधे को ठेलता जाता है और अंततः वे दोनों ही ऐसे कुएं में जा गिरते हैं जो अज्ञान से भरा हुआ है। अर्थात न गुरु का लाभ होता है न शिष्य का ही लाभ होता है, क्योंकि दोनों ही ज्ञान के नेत्रों से हीन हैं। पदरालित पहला इसमें दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार वहाँ होता है जब कोई बात उदाहरण देकर कही जाए। दूसरा ज्ञानहीनों की दशा का चित्रण किया गया है। इसके अलावा गीता का गुण है, दोहा छंद है, सरल भाषा अपनाई गई है। अब पद 16वां देखते हैं। ना गुर मिलिया ना शिष भया, लालच खेलिया डाब, दुनियों बूढ़े धार में चढ़े पाथर की नाव। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह, इसकी व्याख्या देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ना तो सच्चा गुरु ही पा सके और ना ही स्वयं एक सच्चे अर्थों में शिष्य बनने की योग्यता ही रखता हो, तो ऐसा व्यक्ति लोभ के खेल में ही डूबा रह जाता है, लालच में पड़ा रहता है। सच्चा गुरु और सच्चा शिष्य होने की योग्यताओं से हीन व्यक्तियों की दशा वही होती है जो पत्थर की नाव में बैठकर नदी को पार करने की मनोकामना रखते हैं। संसार ही एक प्रकार की नदी है और पत्थर की नाव हमारा अज्ञान है। अज्ञान के जरिए हम इस संसार से उद्धार नहीं पा सकते। पदलालित रूपक अलंकार है और उपमा अलंकार भी इस पद में है। दूसरा दृष्टांत अलंकार आया है और तीसरा है कि मनुष्य को परिपूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्ति की आकांक्षाधारी शिष्य और परिपूर्ण ज्ञानी गुरु होना चाहिए। अब पद 17वां देखिए। 64 दीवा जोई करी, 14 चंदा माई, तिही घर किसको चानिणो, जिही घर गोविंद जाई। शब्दार्थ है कि 64 दीवा यानी 14 प्रकार की कलाएं, 64 प्रकार की कलाएं, और 14 चंदा मतलब 14 प्रकार की कलाएं, दोनों प्रकार की कलाएं 64 और 14। पानिलो यानी चहेता चाहना। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह रहेंगे, व्याख्या की करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति 64 कलाओं रूपी दीपकों को प्रज्वलित करके प्रकाशवान वातावरण ही क्यों न बना ले। वह चंद्रमा की प्रतिदिन बढ़ने वाली कलाओं की नाई पूर्णिमा तक पहुंचने के लिए 14 कलाओं के विकास की यात्रा भी क्यों न कर ले, अर्थात दिव्य प्रकाश की प्राप्ति भी कर ले। घर अर्थात हृदय को वह अपने पूरी तरह से प्रकाशवान भी बना ले, लेकिन यदि उस घर में परमात्मा का निवास नहीं है तो ऐसा घर किसी काम का नहीं है। मैं ऐसे घर की चाहना नहीं रखता, अर्थात मैं ऐसा घर पाना
नहीं चाहता। पद सौष्ठव के बिंदु हैं, पहला इसमें उपमा अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है, गेयता का गुण है, दोहा छंद है, शांत रस है और परमात्मा की प्राप्ति ही सर्वोत्कृष्ट आकांक्षा होती है, यह पदस्थापना की गई है। अब हम आते हैं 18वें पद पर। निस अंधियारी कारणई 84 लख चंद अति आतुर उदय किया तव दृष्टि नहीं मंद। शब्दार्थ है निस यानी रात, 84 लाख चंद यानि योनिया। संदर्भ और प्रसंग पहले की तरह ही रहेंगे, व्याख्या करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि अंधकार पूर्ण रात्रि को प्रकाशवान बनाने के लिए चाहे 84 लाख चंद्रमाओं को भी क्यों न उदित कर लिया जाए, तब भी एक नेत्रहीन व्यक्ति के लिए उस भव्य प्रकाश का कोई अर्थ नहीं होता। कबीर का तात्पर्य यह है कि यदि मनुष्य के हृदय में अज्ञान का अंधकार बसा हुआ है तो वह 84 लाख योनियों में बार बार जन्म लेने पर भी भटकता ही रहेगा, लेकिन गुरु के द्वारा ज्ञान मिल जाने पर उसकी भटकन और संसार में उसका आवागमन दोनों ही मिट जाते हैं, इनसे उसको छुटकारा मिल जाता है। ज्ञान का प्रकाश ही सब प्रकाशों में श्रेष्ठ होता है। पद सौंदर्य, दोहा छंद है, गेयता का गुण है, शांत रस है, रूपक और उपमा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इसमें एक मिथक का प्रयोग भी कवि ने किया है कि मनुष्य को 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है। 84 लाख योनियों का मतलब है कि वह जितने भी प्रकार के प्राणी होते हैं संसार में, उन सब में उसको जन्म लेना पड़ता है, जीवन जीना पड़ता है, मरना पड़ता है। वह कभी पशु हो जाता है, कभी पक्षी हो जाता है, और कभी जलचर, कभी थलचर, लेकिन जब तक 84 लाख योनियाँ पूरी नहीं कर लेता तब तक उसका यह चक्र पूरा नहीं होता। पद 19वां लेते हैं। भली भई जो गुर मिलिया नहितर होती हानि, दीपक दृष्टि पतंग ज्यू पड़ता पूरी जानी। पूरी जानी यानि सर्वस्व मान, पतंग यानि पतंगा कीड़ा। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि यह बड़ा अच्छा हुआ कि जो मुझे मेरे गुरु मिल गए, अन्यथा मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। गुरु के अभाव में मेरी वही दशा होती जो पतंगे या शलभ की दशा होती है। पतंगा दीपक की प्रज्वलित लौ को ही सर्वस्व समझता है और जब उसे पाने के लिए जाता है तो उसी में जलकर मर जाता है। तात्पर्य यह है कि गुरु के अभाव में मनुष्य संसार के माया मोह मद लोभ आदि को ही सर्वस्व मानकर उनकी ओर भागता है और अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। पदलालित है, दोहा छंद है,
गीता का गुण है शांत रस है, उपमा और दृष्टांत अलंकारों का प्रयोग हुआ है, और विशेष बात यह है इस पद में कि सांसारिक माया मोह से बचने का संदेश दिया गया है। अब हम 20वां पद ले रहे हैं, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम डूबय पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान थई एक आध उबरंत। उबरंत याने उबरना, मोक्ष पाना, संध्या प्रसंग पहले की तरह रहेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि सांसारिक माया एक दीपक की तरह होती है और मनुष्य होता है पतंगे कीट के समान। पतंगा माया रूपी दीपक के चारों ओर चक्कर लगा लगा कर उसी में गिर पड़ता है और नष्ट हो जाता है। बिरले ही मनुष्य ऐसे होते हैं जो गुरु का ज्ञान प्राप्त करके मायावी संसार से उद्धार पा जाते हैं। पद सौष्ठव देखते हैं, पहला है माया दीपक और नर पतंग, इसमें रूपक अलंकार है क्योंकि माया को दीपक बना दिया गया है और नर को पतंग, उपमेय को उपमान में बदल दिया गया है। दूसरा है भ्रम भ्रमी, इसमें पुनरुक्ति अलंकार है, जब एक ही शब्द बार बार प्रयोग में लाया जाए तो पुनरुक्ति अलंकार होता है। इसके अलावा अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार भी इस पद में हैं। दोहा छंद है, गीता का गुण है शांत रस है, विशेष माया से मुक्ति का संदेश इस पद में दिया गया है।